रविवार की शाम उत्तरकाशी में हुए बस हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हुई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बस हादसा, इतना भयानक बस हादसा किस वजह से हुआ, किस वजह से बेकसूर 26 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्या इसमें ड्राइवर की गलती थी या फिर बस में कोई खराबी थी। सवाल उठ रहा है कि बस चालक ने ऐसी कौन सी गलती की जिस वजह से पूरी की पूरी बस 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे से जुड़ी जितनी भी जानकारी मिली है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बताते चले कि हादसा यमुनोत्री हाईवे पर डमटा से करीब 5 किलोमीटर दूर रिखाऊ खंड क्षेत्र में हुआ। बस हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए चली थी। बता दें कि उत्तरकाशी के रिखाऊ खंड के समीप जिस स्थान पर मध्य प्रदेश के यात्रियों की भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई वहां पर सड़क काफी चौड़ी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सड़क चौड़ी थी तो बस हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही। बताया जा रहा है कि अन्य वाहन को पास देते समय चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा था जिस वजह से यह हादसा हुआ। जी हाँ, खबर मिल रही है कि वाहन की गति काफी तेज थी। तेज रफ्तार होने के कारण पास देते समय वाहन सड़क से बाहर निकल गया और गहरी खाई में जा गिरा और 26 तीर्थ यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तरकाशी में चारधाम यात्रियों से भरी बस रविवार तकरीबन 7:45 बजे 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी। बस में 30 लोग सवार थे जिनमें से 26 लोगों की मौत हो गई थी और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बस में चालक और परिचालक और मध्य प्रदेश के जिला पन्ना के गाँव जलखा निवासी 28 तीर्थयात्री सवार थे। खबर ये मिली कि 26 में से 23 की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि अन्य 3 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा था। हादसा काफी दुखद है। इस भयानक हादसे की जो वजह निकलकर सामने आई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मालूम पड़ रहा है कि कैसे चालक की एक गलती ने 26 लोगों की जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।